हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहले प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। तो आज है भाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो आप सब लोगों को सब परिवार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो अभी मैं आया था यहाँ पर, अभी झंडा वगैरह मैंने कहा यहाँ घर पे लगाते हैं। और बाकी आज हमारा छोटा भाई है, वो भी आने वाला है, कहते हैं हरियाणा से। और बाकी आप बच्चों का भी कार्निवल है, स्कूल में कार्निवल प्रोग्राम है। और ये तो चले गई स्कूल को सुबह रही बस में, और उसको लेने हमने जाना है दिन में। और बिजीता अभी थोड़ी देर में जाऊंगी कह रही थी, एकांश भी आया एकांश के साथ। और बाकी वो उसको देखते हैं, ले आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं ध्वजारोहण करता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद जाता हूँ शॉप को, शॉप में भी ध्वजारोहण करना है मैंने। तो ध्वज हमारा लग चुका है, देखिए ये आज हमारा 26 जनवरी का, और ये है हमारा श्री राम जी का। तो अभी चलते हैं शॉप, पहुंच चुका था शॉप में। और जो घर का ध्वज तो हम लगा आए हैं, और यहाँ का ध्वज मैंने कल सब तैयार करके झंडा वंडा लगा कर ठीक कर रखा है। भाई लग चुका है हमारा फ्लैग। और हेलो विजय भाई, बढ़िया, हैप्पी रिपब्लिक डे, सेम टू हार्दिक बधाइयां आपको भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और झंडा लगा लेंगे, झंडा लगा दिया है भाई, देख ही रहा है झंडा कहाँ गया, थोड़ा लेट हो गया था, घर में भी दिया था ना, घर में भी लगा, मिठाई कहाँ थी, मिठाई खिलाता हूँ तुम्हारा, स्पेशल आइटम लाया यार मैं। क्या हाल है तुम्हारे? हेलो कर दो, गुड। और बाबू ठीक है, बधाई है आपको बहुत बहुत, आपको भी, आपको भी ढेर सारी बधाई है। मेरे झंडा लगाने तक यहाँ पूजा चाय कॉफी भी ले आई है। आज क्या लेके आए हैं? अच्छा आज आया है बन अंडा। लो भाई ये आया तुम्हारे लिए स्पेशल, अच्छा ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। हाँ हाँ, पैकिंग तो बड़ी तगड़ी कर रखी आपने। नहीं ये मंगाए थे, बढ़िया है यार, बहुत मस्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। खाओ और टेस्ट करके बताओ। तो हम भी चाय वगैरह पी लेते हैं फिर। हम करेंगे, हम करेंगे। नमस्कार, जय जय जय। अभी देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चों ने कभी यहाँ पर अपना झूठ निकाला था अभी, और ये बच्चों को देखते तो मुझे आपके स्कूल के दिन याद आ गए, तो बहुत अच्छा लगा अभी इनको देख के बच्चों को। तो अभी चलते हैं और भाई से भी बात करनी है कि कहाँ पहुँच गए। जीते रहो जीते रहो। कहाँ पहुँच गए? क्यों अभी निकले ही नहीं हो गया? आज पहुँच ही जाओगे शाम को 6-7 बजे तक तो। ओके आओ, आराम से आओ बेटा। और मालिक भैया आ गए, चलो आ भी गए। पैसे दे दो। कौन कौन जा रहे फिर? मैं और भैया गौरी को लेके आएंगे। ले आओगे मैं तुम? उसको ले आओगे यार, हमारा अभी मेरा कोई कंफर्म तो है नहीं भाई। ठीक है आराम से आना। तो बिच्छू भी जा रही है अभी, एकांश आ चुके हैं गाड़ी लेके। और अब मैंने कहा यार गौरी को तू ही ले आना, यदि मेरे को यदि समय तो होगा नहीं वैसे, यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यही लोग ले आएंगे। तो अभी और लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, जरा इनको भी देखते हैं। कहा है भाई लोगों, जो है कॉफी वगैरह भी हो ही गई थी। और अभी आए हमारे रामेश्वर। रामेश्वर क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भैया, फालतू पानी आता है, नुकसान होगा ना बच्ची वालों को, नुकसान होगा। ऐसे में क्या होता है कि फालतू जो पानी आता है मेरे खेत में जितना रुकता है उतना भी जाता है, उसके बाद में फिर बस्ती में को भी जाता है पानी में। कहीं पानी कौन सा वाला कह रहे हो तुम, जो रेगुलर आता है? बारिश का ही पानी आता है, वो भी सीधा आता है इधर को। और वैसे भी अगर पानी फालतू आ रहा है तो वो भी इधर को सीधा कर देते हैं ये लोग। गूल बंद करके और उधर का सामने को निकाले तब ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं हुआ तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। आज 26 जनवरी है तुम्हारी, तुमने आज यहाँ पर आए फरियाद रखी तो तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। ठीक है,
ओके जी नमस्कार। हेलो हेलो नर्दा, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कहाँ हो? यही है शहर में। अच्छा रास है, दस का लड्डू बचा रखे यार तुम्हारे। यार आज तो तुम्हारे इस बार स्पेशल वाले लड्डू लेके आऊँ मैं। हाँ हाँ अमित भाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। कैसे हैं आप? फॉर्म करते करते ही आ रहे थे क्या? क्या लड्डू खत्म हो जाएंगे? ये लाया तुम्हारे स्पेशल वाले आज। अजय खाओ, इसका टेस्ट करके बताओ। फ्रेंड मम्मी आ चुकी थी शॉप में और मैं आज आ गया हूँ घर। तो आज कहीं जाने का तो हो नहीं पाया था, ऐसे ही रह गए। और यहाँ पूजा आज बना रही है झोली भात, और ये भाई झोली के लिए बनी है पकौड़ी। कर दिया चावल? चावल भी बना। अच्छा बनाओ बिना। तो फ्रेंड दिन का भोजन हो गया है फिर, और मम्मी ने आज दे दिया हमें आईफोन, नहीं तो 40 साल हो गए थे अभी तक एंड्रॉइड ही फोन चला रहा था। तो आज 40 साल बाद मुझे आईफोन चलाने का मौका मिला मम्मी की तरफ से, और नहीं तो मेरे ख्याल से मैं नहीं चला पाता, एंड्रॉइड में ही रह जाता। क्योंकि मेरे को ज्यादा एंड्रॉइड पहले से यही चलाता था, तो मुझे इसी का ज्यादा शौक था। और मैंने अधिकतर जो भी फोन लिया सैमसंग के लिए। तो अभी कहते हैं मम्मी कह रही थी कि तेरी ब्लॉग देखती हूँ मैं टीवी में, तो मेरे को क्लियर नहीं दिखता है, तो इसलिए भाई तो ब्लॉगिंग कर रहा है तो पहले यार मोबाइल सही है। ऐसा ही सोच के मम्मी ने दे दिया है मुझे आईफोन 15। और बच्चे भी आ चुके हैं। हाँ बेटा थैंक यू, सेम टू यू। तो आप मिली ना सुबह मुझे? हाँ बेटा क्या ले आई है? गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। ये है आपका कप सेट। अच्छा और ये आपके लिए एक पाउच जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हो। थैंक यू। खर्च में मुझे 100 रुपए में 500 रुपए का गिफ्ट मिल गया। 100 रुपए में 500 रुपए? मैं बताऊँ? नहीं नहीं 20 रुपए में 500 रुपए का गिफ्ट, क्योंकि वो एक ही गेम 20 रुपए का था। मैं बताऊँ? अच्छा सही में मिला क्या? हाँ तो खेल के जीत गई मैं। अरे ऐसा था ना, मुझे तार वाला गेम नहीं होता जिसमें ऐसे बिना छुआ तार पर ऐसे ले जाना पड़ता है, वो खेला। तो उसके बाद एक बाउल था उसमें 1 से लेकर 4 तक नंबर थे, तो उस हिसाब से गिफ्ट था, तो मेरा सबसे बड़ा वाला गिफ्ट आ गया। मैं बताऊँ? 300 रुपए में 1 चॉकलेट। 300 रुपए में 1 चॉकलेट? मम्मी कुत्ता ली थी 40 वाली। चलो मैं करो फिर, मैं तो दाढ़ी बाल बनाने जा रहा हूँ जरा। ठीक है। तो बच्चे भी आ चुके हैं और ये वहाँ का एक आध वीडियो बना के लाए हैं, कह रहे हैं देखते हैं, यदि मिल जाती है तो आपको शेयर करता हूँ। और मैं भी चलता हूँ अभी दाढ़ी बाल बना के आता हूँ। चलो खाना अपने मित्र फ्रेंड्स सैलून पे। और हेलो जागर भाई, क्या बात, रेडी हो रहे हो क्या हमारे लिए? अच्छा चलो बस बाकी ठीक ही हो रहा है, हो जाओ कुछ। और अब हम भी चलते हैं, क्योंकि जाकिर भाई से मैंने कहा भाई क्या टाइम से कर देना, और टाइम देखिए 6 बजने वाले हैं, और अब टाइम भी हो गया है, शाम भी हो चुकी है। चले भी जाकिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। घर पहुंच के आ गया था सैलून से, तो आपको देखिए कहते हैं आज मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कहते हैं अभी भाई से भी बात हो गई है, भाई ने भी रुद्रपुर बस पहुंचने वाला हूँ कह रहा है, और 1 घंटे में आ जाएगा। तो मैं भी चलता हूँ फिर अभी शॉप को, फिर मिलते हैं आपसे अभी शॉप में पहुंच के। कर रहे हैं ट्रीट का इंतजार। पहुंच गया शॉप में और यहाँ पर देख रहे हैं मैं इतना यहाँ पे सामान आया हुआ है, और पहले अभी सामान लगाने से पहले अपना ध्वज निकालेंगे, क्योंकि भाई ध्वज का एक नियम होता है कि सुबह जिस समय आप ध्वज फहराए तो मतलब रात होने से पहले ध्वज को निकाल के संभाल दिया जाता है। तो मैं पिछले साल भी मैंने अभी 15 अगस्त में देखा, लोगों ने ऐसी होड़ मची थी कि भैया झंडा लगाना है, तो झंडे ऐसे लगे थे, और उसके बाद तो भाई वो घरों में लटके ही रह गए, और कभी आधी में उड़े कभी किसी में उड़े, तो ये तो कहते ध्वज का भी अपमान है।
तो मेरा तो भाई यह है कि भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को रोज सवेरे अपना झंडा वार लगता है और फिर उसके बाद निकाल कर उसको संभाल दिया जाता है। तो अभी मैं जाता हूँ, पहले झंडा निकालता हूँ। हेलो मालिक, छब्बीस जनवरी क्या बात है, थोड़ी लेट दिखे तुम सुबह नहीं आए, छुट्टी आ गया। अच्छा और तो ठीक है, बच्चों का प्रोग्राम था आज, तो तुम आ गए हो, आप भी नहीं, मैं तो नहीं था। अरे थे, अरे मेरा मौका नहीं बन पाया, मैं थोड़ा ध्वज निकालूंगा, बिल्कुल बिल्कुल फिर बात करता हूँ। कहते हैं अपना झंडा वगैरह हमने निकाल ही दिया था और बाकी अभी फ्रेंड्स वगैरह आए थे, थोड़ी देर उनके साथ बात बात करने में लग गया और अभी थोड़ा सा माहौल भी शांत है, तो मैंने कहा थोड़ा सामान वान एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सामान वान लग ही गया है और बाहर भाई लोग भी आ गए हैं मेरे ख्याल से, उनको भी देखता हूँ। निवी, हेलो निवी, आये हाय बच्चा, हमारा प्याला बच्चा, ये प्याला बच्चा मैं नहीं पहचान, नहीं पहचान रहा। और ठीक है, कैसा रहा सफर? सही रहा, और परेशान तो नहीं रहा ना रास्ते में? सो गई थी एक दो बार, तो सो गई थी। अच्छा चलो फिर, चलो चेंज चेंज करो। हाँ चलो तो इसके क्या चल कुछ लास्ट टाइम में तुमने क्या ले गई थी? क्यों आप पर के स्नैकर, फिर कल से तो तुमने स्नैकर ही खानी है। ओ तो शॉप भी कराया था क्लोज और अभी थोड़ा सा मम्मी की दवाई लानी थी, तो मैं वहीं से चले गया था दवाई लेने के लिए, तो मम्मी के लिए दवाई वगैरह भी लेके आया हूँ। मैंने कहा भाई भी आए हैं, मैंने कहा टाइम से जाते हैं, थोड़ा देर भाई के साथ बैठेंगे। ओए ओए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा दरवाजा खोलने आया आज। क्या देखा बता, क्या देखा? डॉल, डॉल देखा, डॉल डॉल चाहिए पूजा, मैं इसको देखो। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? डांस चल रहा है पिंकी, ठंडा हो रहा दवाई, बाकी इसमें सब लिखाया गया था। ये रात को है और ये है नाश्ते के बाद, बाकी ये तुम पता ही है हफ्ते की एक है। हाँ ये दर्द के लिए है, पेन किलर, और ये गैस की है। दर्द वाले कभी भी मत खा लो, मतलब ये खानी है जिसमें दर्द है। और कैसा रहा फिर तुम्हारा सफर? अगर सफर ठीक रहा, बढ़िया। धुंध थोड़ी बहुत जगह थी, दो गाड़िया, दो गाड़िया पलटी हुई थी आज। अच्छा डिवाइडर भी चढ़ा दी, पलटा दी। चेंज वगैरह भी हो गया था और यहाँ पर खाना वगैरह भी हमारा सब तैयारी है। तो आज कहते हैं पूजा ने यहाँ बनाया है पनीर की सब्जी, मटर पनीर और भिंडी की सब्जी, और क्योंकि भाई को भिंडी बहुत पसंद है तो उन्होंने आज बना दी है भिंडी की सब्जी, और पिंकी रोटी बना रही है, और पिंकी भी यही आते ही काम पे लगा दे मुझे। तो खाना वाना बना ही रहे हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं और थोड़ी देर अंदर बैठते हैं, भाई लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। और बन जाएगा तो आवाज लगा देना। रात्रि भोजन भी हो चुका है और यहाँ अभी भाई हमारा लेके आया है बीकानेर से कुछ मिठाई। वाओ, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की पिंडी मिठाई बोलते हैं इसको, उसके शूटिंग में आज हमारे लिए यह है पिंडी मिठाई और सबको देते हैं। मम्मी ने रख रहे हैं ना, खा लिया खाली, मैं बहुत ड्राई फ्रूट खा लिया, कल सुबह आऊंगा। हाँ सही है, मतलब यही वही है ना, जाइए।
भी तो फ्रेंड्स कहता खाना वाना और भाई लोग भी अभी थके हुए हैं। अच्छा कचोरी तो भाई लोग भी थके हुए हैं, वो भी करते हैं आराम और आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में। तो आज 26 जनवरी आप लोगों की कैसी रही कमेंट करके बताइएगा, तो हमारी तो अच्छी रही। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत रन वांगू नाल रखा मैं जट तब जूना गल।